पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे संस्थापक के जस करंदीकर यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ महाराष्ट्र आणि दुष्काळाची सध्याची परिस्थिती या विषयावर स्वराज्य अभियानाचे सदस्य आणि जय किसान आंदोलनाचे राष्ट्रीय संयोजक प्राध्यापक योगेंद्र यादव यांच्या वार्तालापाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष जितेंद्र अष्टेकर यांनी यादव यांचा सत्कार केला. शेतकऱ्यांचं जीवन अक्षरशः ट्रॅजेडी बनलंय. रेल्वेनं पाणी पुरवण्याची वेळ का आली याचा सरकारनं विचार करावा. महाराष्ट्रात कठीण राजकीय निर्णय घेण्याची वेळ आलीय. साखर कारखाने, मद्यांचे कारखाने, ऊस उत्पादन आणि वॉटर प्लांट थांबवण्याची गरज आता प्रकर्षाने जाणवतीय. मराठवाडा, बुंदेलखंड आणि तेलंगणाच्या काही भागात दुष्काळाची स्थिती अतिशय भयानक आहे. पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाच्या पाण्याची कमतरता, अन्नाची टंचाई, पिकांचं नुकसान, पक्षी प्राणी आणि गायीगुरांच्या पाण्याची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला या संकटांची माहिती असूनही त्यांनी दुर्लक्ष केलंय. आयपीएलमुळे दुष्काळाची झळ प्रसार माध्यमांना दिसली, त्यामुळे सरकारनं आता तरी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याकडे लक्ष द्यायला हवं असं परखड मत योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केलं. पिछले 10-15 दिन से सूखा समाचार में है. अब क्यों समाचार में है, 6 महीने पहले क्यों समाचार में नहीं था, स्पष्ट नहीं है. आप देखिए, इस देश में मॉनसून समाप्त होने की तारीख है 30 सितंबर, यानी कि 1 अक्टूबर की सुबह सरकार को, देश को पता था कि हमारे यहां लगातार दूसरे वर्ष सूखा पड़ चुका है. 1 अक्टूबर की सुबह पूरे देश को पता था कि हमारे यहां इस वर्ष पूरे देश का औसत वृष्टि -14% यानी कि 100% होनी चाहिए. अगर सामान्य को 100% आप माने तो 86% बारिश हुई थी पूरे देश में. कहां कहां डेफिसिट था, बिल्कुल स्पष्ट था. यह स्पष्ट था कि देश के 39% एरिया पे रेनफॉल डेफिसिट काफी सब्सटेंटिव है. जो आईएमडी डिपार्टमेंट है सरकार का, वो कहता है कि यदि आपका वृष्टि बारिश 20% अधिक या 20% कम है तो वो सामान्य है, ±20% चलता है. 20% से नीचे और 60% तक रहे तो उसको वो कहता है स्केर्सिटी है, और 60% से और नीचे चला जाए तो कहता है सीवियर स्केर्सिटी है. तो ये स्पष्ट था कि देश के लगभग 40% हिस्से इस टाइम स्केर्सिटी जोन में है. ये सब 1 अक्टूबर के सरकारी आंकड़े थे. बहुत अच्छी वेबसाइट है, हर दिन सुबह आपको आंकड़े दे देती है. तो मैं कोई विशेष स्पेशलिस्ट नहीं हूं, जो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति को सुबह आंकड़े दिख सकते हैं वो आंकड़े बता रहा हूं आपको. देश में 661 जिले हैं, उनमें से 661 जिले हैं, उनमें से 254 जिले 254 डिस्ट्रिक्ट में स्केर्सिटी है. लेकिन तब समाचार नहीं बना. उसके बाद से पिछले 6 महीने से तमाम छोटे छोटे समाचार आते रहे, लेकिन देश का ध्यान नहीं गया. क्या क्या समाचार आते रहे, क्या क्या हुए, उसकी मैं चर्चा करूंगा. देश का ध्यान नहीं गया. देश का ध्यान कब गया, जब लातूर से समाचार आया. लातूर में स्थिति बहुत खराब है और निश्चित ही उस पर ध्यान जाना चाहिए. लेकिन आपने देखा, जब सूखे का असर पहली बार ग्रामीण भारत से बढ़ के शहरी भारत में आया, जब अर्बन इंडिया को किसी ट्रेजेडी ने टच किया, तो वो समाचार बन गए. उससे पहले ठीक यही त्रासदी, इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति बहुत बड़े ग्रामीण भारत की थी. पुणे मेट्रो साठी प्रतिनिधि मोहित शिंदे, ब्यूरो रिपोर्ट, पुणे मेट्रो.